शास्त्री नगर इलाके में उपजे विवाद को लेकर के अब पुलिस ने सभी से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग शास्त्री नगर थाना इलाके पर जुटे हुए हैं और गहमा गहमी का माहौल जो है वहां पर देखने को मिल रहा है।
ये शास्त्री नगर में युवक की हत्या से जुड़ा हुआ पूरा मामला है जहां पर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, शास्त्री नगर इलाके में जो घटना घटित हुई उसके बाद अभी भी शास्त्री नगर थाने पे गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है और पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार की जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान ना दें। हालांकि ये जो माहौल अभी कुछ पल के लिए गर्माया, इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है विवेक? देखिए, शास्त्री नगर इलाके में युवक की मौत को लेकर अब जनता का गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें जो है शास्त्री नगर थाने की है, जहां थाने के बाहर लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि इसी दौरान अभी कुछ देर पहले यहां पर एक बार फिर जो है भगदड़ का माहौल रहा। कुछ लोगों में जो है अफवाह फैली कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और इसी दौरान लगातार लोगों की भीड़ थी वो शास्त्री नगर कब्रिस्तान की ओर आगे बढ़ी। इसी दौरान एक छत से पत्थर आकर युवकों पर फेंका गया, और उसके बाद जो गुस्सा है समुदाय विशेष का वो दूसरे समुदाय के प्रति यहाँ पर देखा गया। हालांकि घटना को लेकर लगातार पुलिस हरकत में आई, पुलिस के आला अधिकारी जो है वो साथ मौके पर पहुंचे, पुलिस जाब्ता वहां पर पहुंचा और विधायक बालमुकुंदाचार्य और गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश कर जो है उन्हें लगातार यहां पर लेकर के आए। लगातार अन्य संगठनों के लोग जो है वो यहां पर जुट रहे हैं। किस तरह से भी घटना कुछ देर पहले पथराव की घटना यहां पर सामने आई। मैं शांति बनाए रहने की अपील करता हूं, और इस परिवार को बड़े से बड़ा पैकेज मिलेगा, और करणी सेना इसके साथ में पूरी ताकत के साथ में खड़ी है, और करणी सेना खड़ी रहेगी, और पैकेज भी मिलेगा, और इनकी आज शाम तक गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो करणी सेना एक इस समाज के साथ मिलकर के एक उग्र आंदोलन करेगा। उदयपुर की घटना से जोड़ करके देखे जा रहा है, पथराव की घटना भी यहाँ पर सामने नहीं, कुछ पथराव हुआ था लेकिन मैंने देखा। मैं सब लोगों से, देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखने से सरकार अपनी है, ऐसा नहीं है, सरकार 36 कौम के साथ मिलकर के काम करिए। आज शाम तक इनको बड़े से बड़ा पैकेज मिलेगा, और जितने भी संस्थाएं हैं उनको थोड़ा थोड़ा चंदा करके इस परिवार को दे रहे हैं। इस परिवार की ये पूर्ति तो नहीं हो सकती पैसों से, लेकिन इनका काम चल सकता है, और इनको आज शाम से पहले पुलिस ने विश्वास दिलाया शाम से पहले गिरफ्तार करेंगे, नहीं करेंगे तो करणी सेना एक उग्र आंदोलन करेगी। बिल्कुल, देखिए आप तमाम ये सुन रहे थे, करणी सेना के जो संयोजक यहाँ पर थे, इनका भी यही कहना था कि पुलिस ने लगातार जो है सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, तमाम आरोपियों को जो है देर शाम तक गिरफ्तार करने का दावा यहाँ पर किया है, और लगातार जिस तरह से लोगों का गुस्सा यहाँ पर देखा जा रहा है, भीतर जो है समझाइश का दौड़ लगातार जारी है। खुद विधायक जो है वो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रहे, क्योंकि लगातार जिस तरह से उदयपुर में जो घटना हुई है उसी से लगातार जोड़कर जो है अफवाहों का बाजार जो है वो काफी गर्म है। तरह तरह की चर्चाएं जो है इस घटना को लेकर के सामने आ रही है, लेकिन लगातार ये अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखे, किसी तरह की कोई हिंसा घटना को अंजाम ना दे, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे, और अफवाहों फैलाने वाले के खिलाफ भी जो है पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जिस तरह की तमाम यहां पर लोगों को देखा गया था, पथराव यहां से किया गया था, अगर पत्थर फेंका गया है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जो है वो खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राष्ट्रदीप ने यहां पर दी थी। तो लगातार जिस तरह की घटना है उसको लेकर के लोगों में अब आक्रोश यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि परिजन जो मृतक था उसके परिजनों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, अब फिर जो है एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है। एक अंदर परिजनों से जुड़े एक व्यक्ति की तबीयत जो है महिला की तबीयत यहाँ पर बिगड़ी है, जिसको लेने के लिए यहाँ पर तुरंत जो है एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है, महिला को जो है तुरंत यहाँ से कांवटिया अस्पताल जो है वो इलाज के लिए ले जाया जाएगा। फिलहाल पुलिस का प्राथमिकता यही है कि किसी तरह से तमाम जो यहाँ पर अलग अलग अफवाहें फैल रही है उसको रोके, और लोगों से समझाइश कर लोगों को जो है शांत कराए, और मामले का जल्द से जल्द जो है हल निकाल कर पटाक्षेप किया जाए। जी विवेक, तमाम जानकारी